कॉमन थ्रेड जो आपने पूछा ओवर ईटिंग कार्बोहाइड्रेट्स अंडर ईटिंग प्रोटीन नाम के लिए सब्जी हम खाते हैं इतना अब लोगों की ये भी एक गलत फहमी है कि सिर्फ जिम जाने वालों को प्रोटीन की जरूरत है इफ टुडे वी हैव टू डू रीजनरेटिव एनिमल फार्मिंग एंड वी हैव टू डू रीजनरेटिव एग्रीकल्चरल फार्मिंग वी वोट बी एबल टू फीड एट बिलियन पीपल ऑन दैट इज द प्रॉब्लम

आप परेशान हो कि यार मेरा डेली प्रोटीन इनटेक ही नहीं हो पा रहा है मेरे को काब्स नहीं मिल रहे हैं मेरे को विटामिन नहीं मिल रहे हैं और बहुत सारी चीजें अगर आप इन सारी चीज से परेशान हो सी दिस पॉडकास्ट इज एवरी यू वॉन्ट आपको फूड समझ आएगा हम ये नहीं कह रहे कि आप बिल्कुल एक्जैक्टली exactly फॉलो करो जो इन्होंने बोला बट मैं ये जरूर कह रहा हूं कि आप ये पूरा पॉडकास्ट देखो समझो बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एवरेज इंडियन बहुत खराब डाइट ले रहा है तो ऐसे बहुत सारे मिथ बर्स्ट होने वाले हैं ऐसी बहुत सारी रियलिटी आपके सामने आने वाली है एंड दिस एपिसोड इज रियली इंपॉर्टेंट आई रिक्वेस्ट यू ऑल आप समझो आप दिमाग खोल के देखो सी आप लोग मेरे को रणवीर रनवीर बोलते हो आई अप्रिशिएट दैट बट रणवीर वाली गलती मत करना कि आप खाने को और अपने धर्म को मिक्स कर रहे हो आई डोंट फील दिस इज राइट और इस एपिसोड के बाद आपको सब समझ आएगा कि क्यों मैं ऐसा कह रहा नो हेट फॉर एनी है इंपॉर्टेंट so है सो प्लीज समझो इस एडोन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट के एपिसोड को कि आपसे क्या कहना चाह रहा है सो एंजॉय संगीता मैम ऑन एडोन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट एंजॉय हेलो मैम वेलकम टू एडोन टॉक्स एक बार फिर से पहले वरुण पिछली बार ग्लिच हो गई हाँ तो सोचा कि अभी फेस फेस ही करते हैं आप कैसे हो बहुत बढ़िया हैप्पी कि आपने कहा कि मैं आके पॉडकास्ट करूंगी क्योंकि आपने पहले ऑनलाइन कहा था एंड हाँ। फिर ऑनलाइन के बाद यूजली लोग ना मतलब ऐसे मेरे को लगता है कि ऑफलाइन तभी आते हैं जब उनको मजा आता है

ठीक है एक समरी में बताने की कोशिश करूँगी मेरा नाम संगीता अयर है मेरी एक्चुअली फॉर्मल स्टडीज़ जो है वो हुई है एम मार्केटिंग में और मेरा चौबीस साल का करियर रहा है मीडिया मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लेकिन ये करियर के साथ साथ मेरी एक पर्सनल स्ट्रगल रही है बचपन से कि एक तो मोटापा कभी साथ छोड़ता नहीं था और दूसरी बात है कि बाय द टाइम आई गॉट मैरिड एंड जब तक मेरा बच्चा हुआ मुझे पी भी हो गया और प्री डायबिटीज़ भी हो गया और मैं ऑलमोस्ट थर्टी फाइव के जीज ओवरवेट थी सो so, एक तरफ से मेरा डे जॉब जिसको हम बोलते हैं वो चलता रहा फैमिली भी चलती रही लेकिन साथ साथ उसके साथ मेरा काफ़ी न्यूट्रिशन रिसर्च और ये सब चीज़ों पे काफ़ी मैं काम करना शुरू की थी और मैं ये बात कर रही हूँ 2005 2006 की बात है uh, बहुत सारे ट्रायल एंड एरर ट्रायल एंड एरर करने के बाद ऑलमोस्ट आफ्टर एट इयर्स 2014 एंड या 15 में आई देन स्टम्बल्ड अपॉन सम रिसर्च जिसने कीटोजेनिक और लोकाब लाइफ स्टाइल के बारे में एक रिसर्च पेपर पे मुझे पढ़ने को मिला ओके okay? एंड mm. uh, वो पढ़ने के बाद मैंने uh, वो डाइट की जो प्रिंसिपल्स है या वो लाइफ स्टाइल की जो प्रिंसिपल्स है मैं उसको अडॉप्ट करने लगी तब तक मैं हार्ट कोर वेजिटेरियन मैं अंडा भी नहीं खाती हूँ वो खा हालाँकि मुझे अंडे से एलर्जी है वाइट बट उसमें उस एक लाइफ में या उस एक डाइट पैटर्न में जो बताया गया वो हमने अभी तक मेन स्ट्रीम में उसका उल्टा बताया गया सो so, अगर आप मेन स्ट्रीम नेरेटिव देखो डाइट न्यूट्रिशन पे वो लोग बोलते हैं कि आप दिन में छः सात बार खाओ छोटे छोटे क्वांटिटीज़ में खाओ ज़्यादातर आप फ्रूट्स और सब्जी खाओ मीट मत खाओ फैट मत खाओ लो फैट रहो और इस डाइट ने एकदम उसको अपने सर पे पलटा दिया लाइक उन्होंने बोला कि मीट बेस्ड डाइट काफ़ी हेल्दी होती है प्रोटीन की अवेलेबिलिटी और माइक्रोन्यूट्रींट की अवेलेबिलिटी जो मीट में है और सारे मीट में वो बहुत अच्छी होती है सैचुरेटेड फ़ैट आपके लिए अच्छा होता है और कार्बोहाइड्रेट्स को थोड़ा कम किया करो क्योंकि हम उतना उसको बर्न नहीं कर पाते मतलब एनर्जी के तौर पर यूज़ नहीं कर पाते हैं ये मैंने अपने आप के ऊपर करीब डेढ़ साल एक्सपेरिमेंट किया और डेढ़ साल में एक्सपेरिमेंट किया हाँ एक्सपेरिमेंट ही किया खुद के ऊपर और करीब करीब डेढ़ साल के बाद मेरा पी पहली बार रेमिशन में चला गया मतलब मेरी सिस्ट नहीं थी मेरे उसके बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं थे और मैं जो लास्ट बिट वेट के साथ स्ट्रगल कर रही थी मैं फाइनली 2017 बाय द टाइम आई आई वाज वाज 40 इयर्स दैट ईयर मैं अपने हाई स्कूल वेट पे आ गई थी 55 केजीज और तब से मैं इसी लाइफ को फॉलो करती हूँ उन्नीस बीस लार्जली लो लोकाब रहती हूँ लार्जली मीट बेस्ड रहती हूँ लार्जली हेल्दी फ़ैट खाती हूँ शुगर को काफ़ी अवॉइड करती हूँ नाउ ये मैं करती रही एंड दैन यू नो एक होता है जब आपका किसी चीज़ में एक्सपीरियंस होता आप वो इनफॉर्मल कोच बन जाते हो फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए और, और दोस्तों के लिए तो मैं सब दोस्तों को मदद करने लग गई बिटवी टू थाउजेंड सेवेंटीन एंड नाइन्टीन और फिर टू थाउजेंड नाइन्टीन में मुझे ख्याल आया कि स्पेशली बिगिनिंग ऑफ द पैंडमिक एक्चुअली कि जब मैंने देखा कि uh, Uh, जो कोविड में सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं वो वो लोग हैं जिनकी को मोबिलिटीज हैं मतलब साथ में कोई ना कोई कंडीशन है चाहे वो ओबेसिटी हो या वो कोई कार्डियोवास्कुलर कंडीशन हो चाहे वो कोलेस्ट्रॉल इश्यू हो चाहे वो टाइप टू डायबिटीज़ हो कोविड हैज़ बिन फेटल टुवर्ड्स दोज पीपल लार्जली जिनके और कोई एग्जिस्टिंग कंडीशन हैं सो जब मैंने ये सब देखा देन आई रियलाइज़ कि अब मुझे अपना खुद का प्लेटफॉर्म शुरू करना चाहिए तो सितंबर 2020 में मैंने मेरा खुद का प्लेटफॉर्म डब्ल्यू इसको चालू किया एंड आई स्टार्टेड रिवैंपिंग माई सोशल मीडिया हैंडल्स टू टॉक अबाउट न्यूट्रिशन हेल्थ एंड ऑल ऑफ़ दैट वहाँ से मैंने दो सर्टिफिकेशंस किए न्यूट्रिशन के और अब मैं uh, पिछले 2020 से मैं ये फुल मैं ये पार्ट टाइम करती थी दो महीने तक अब मेरी मीडिया करियर ख़त्म हो चुकी है और मैं इसको फुल टाइम करती हूँ करीब 2000 लोगों के साथ काम कर चुकी हूँ मैं uh, मेरे इतने कंसल्टेशन कॉल्स होते हैं तो कम से कम छः सात हज़ार लोगों से बात कर चुकी हूँ इतने सालों में और हेल्थ uh, की हेल्थ के बारे में और न्यूट्रिशन के बारे में जो मिथ्स हैं जो uh, जो गलत फहमियाँ हैं उसको दूर करने में मैं काफ़ी ज़्यादा वोकल होती सात हजार लोग ह्यूज एंड बट ये सवाल आ रहा है मेरे दिमाग में कि आपने कॉमन पैटर्न नोटिस किया होगा आई नो सारे सात हजार लोगों की माइनर माइनर चीजें चेंज हो गई डिफरेंट स्टोरीज होंगी बट सब में एक कॉमन चीज दिख रही होगी आपको कि यार यही गलत हो रहा है जी, तो वो क्या चीज़ है क्योंकि बहुत सारे जो नए लोग देखेंगे वो भी इसी से जूझ रहे होंगे एबसोल्यूटली इंडियन डाइट्स में या इंडियन वे ऑफ ईटिंग में चाहे आप कहीं से भी हो नॉर्थ इंडियन हो साउथ इंडियन हो ईस्ट इंडियन हो वेस्ट इंडियन कहीं से भी कोई भी आपका कल्चरल बैकग्राउंड हो और मैं यहाँ तक की बोलती हूँ चाहे आप मीट नॉनवेज खाते हो या नहीं खाते हो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता इंडियन डाइट्स में दो तरीके की पैटर्नस इमर्ज होती हैं साथ साथ पहली पैटर्न जो है हम कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा खाते हैं कार्बोहाइड्रेट आर बेसिकली ग्रेन ठीक है जो राइस रोटी मिलेट्स ये वो हम बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं मतलब हमारा हमारा जो ईटिंग पैटर्न और कल्चर ऐसे बन चुका है कि सवेरे से लेकर रात तक हमारे मील में सबसे हर प्लेट में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी कार्बोहाइड्रेट्स की होती है इसके साथ साथ एक दूसरी प्रॉब्लम होती है सबसे छोटी क्वांटिटी या हमारे डाइट्स में हमें सबसे ज़्यादा डेफिशिएंसी जो देखने को मिलती है वो प्रोटीन की डेफिशिएंसी है ओके नाउ अनफॉर्चुनेटली लोगों को यह पता नहीं है कि आर डी ए फॉर कार्बोहाइड्रेट मतलब रिकमेंडेड डेली अलाउेंस फॉर कार्बोहाइड्रेट बाई डब्ल्यू एच ओ इज एक्चुअली वन थर्टी ग्राम्स फॉर एन एक्टिव हेल्दी इंडिविजुअल एक सौ तीस ग्राम लेकिन अगर आप सवेरे से लेकर शाम तक हमारे इंडियंस का इटिंग पैटर्न देखोगे वो वेरी इजिली इट इज ओवर टू फिफ्टी ग्राम्स ओके डबल थ्री डबल और ये भी बताया गया है रिसर्च में एक एक्टिव इंडिविजुअल को 100 से 130 थर्टी ग्राम ज़रूरत है और उसके बाद हर एक घंटे की इंटेंसिव एक्टिविटी के साथ आप 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स ऐड कर सकते हो नाउ अगर आप एक तरफ हमारी लाइफस्टाइल देखें हम नॉर्मली भी सेडेंट्री ही हैं ठीक है सो मेरे मेरे इन माई ओपिनियन वो एक ग्राम भी काफ़ी ज़्यादा है राइट right? अब उसके बाद जब आप 250 300 ग्राम की कार्बोहाइड्रेट्स पे आते हो और फिर इसके ऊपर जंक फूड कंजम्पशन कोला पिज्जा समोसे कचोरिया होता है ऑन अ बैड डे इंडियंस गेट ऑलमोस्ट 600 700 कैलोरीज फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स और ये एक्सेस अगर जैसे जैसे हम प्रोटीन को एक्सेस में लेते हैं तो आपने मेरे को लास्ट टाइम बताया था कि इतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो ड्रेन आउट हो जाता है बट कार्ब्स को अगर हम एक्सेस ले रहे हैं तो उसका हाँ सो कार्ब्स देखिए कार्बोहाइड्रेट्स अल्टीमेटली एक मोलिकुलर फॉर्म में बनता है आपके बॉडी में वो है ग्लूकोस ओके ग्लूकोस के दो तीन जगह ही हैं स्टोर करने के लिए ओके okay? सबसे पहले आपके ब्लड स्ट्रीम में सिर्फ चार ग्राम ग्लूकोस टॉलरेट करने की कैपेसिटी रखता है चार ग्राम मतलब एक टीस्पून ओके okay. इससे ज़्यादा अगर आप ग्लूकोस लोगे तो हमारे पैनक्रियाज एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है इंसुलिन इंसुलिन वो एक्सेस ग्लूकोस को निकालता है और लिवर में डालता है लिवर की कैपेसिटी है सौ ग्राम और फिर आगे जाके वो डलता है अपने मसल में तीन सौ ग्राम सो so, या तो आप हर रोज़ ऐसी एक्टिविटी करो कि आप अपने लिवर और मसल को डिप्लीट कर रहे हो एक्टिविटी के साथ और वो सिर्फ़ इंटेंसिव एक्टिविटी के साथ होता है इसीलिए आप देखोगे कि मैराथन रनर्स कार्ब्स ले पाते हैं जिम जो लोग जिम ट्रेनर्स या जो रेगुलरली एक्टिवली ट्रेन करते हैं सवा घंटा एक घंटा और दिन भर एक्टिव रहते हैं वो काब्ज़ ले पाते हैं क्योंकि आपकी मसल्स स्पॉन्ज बन जाती है ग्लूकोज के लिए लेकिन एक आम इंसान आज चालीस मिनट का वॉक नहीं करता है और लेकिन खाए जाता है खाए जाता है इसी तरीके से तो वो एक्सेस ग्लूकोज फिर इंसुलिन उसको वो तो कहीं ना कहीं जाना है ना तो इट गेट्स कन्वर्टेड इन टू फैट एंड देन इट गेट्स स्टोर्ड एज फैट से ठीक है सो सो ऑन दी अदर एंड आप प्रोटीन नहीं ले रहे हो ओके फन फैक्टर्स आपने आज से कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज खाना बंद कर दिया तो आपकी बॉडी अपने आप ग्लूकोज बना सकती है जो ब्रेन को और बॉडी को चाहिए दैट ग्लूकोज इज मेड बाय द बॉडी थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस आपने अगर एडिक्वेट प्रोटीन और फैट खाया लेकिन बॉडी में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि अगर आपको नाइन अमीनो एसिड्स और थोड़े फ्री फैटी एसिड्स नहीं आए, तो वो बॉडी अपने अपने आप से बना पाएगी हाय गाइज सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस जल्दी से बताना हूँ सब्सक्राइब कर लो 93 परसेंट लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और पॉडकास्ट देख के इंजॉय करके चले जाते हैं भूल जाते हो आई नो पॉडकास्ट अच्छा है इंटरेस्टिंग है फ्लो में आ जाते हो तो इसलिए बीच में आ गया सब्सक्राइब कर लो सॉरी कंटिन्यू सो आपको प्रोटीन की कंजम्शन की काफ़ी ज़रूरत है और हमने ये स्कूल में पढ़ा, पढ़ा है प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ऑफ द बॉडी आपका हेयर आपका स्किन आपका मसल आपका बोन हर कोई ये सब प्रोटीन यूज करता है राइट right? सो so, एक तरफ हम 200 सौ ग्राम काब्स लेते हैं और दूसरी तरफ एक एवरेज इंडियन डाइट में 35 फाइव ग्राम्स भी प्रोटीन नहीं होता है जबकि आर डी ए है रिकमेंडेड डेली अलाउंस बाई डब्ल्यू एच ओ पॉइंट एट ग्राम पर के जी ऑफ आइडियल बॉडी वेट ओके सो अगर इसको हम राउंड ऑफ भी वन ग्राम करें uh, अगर जैसे मैं फाइव सिक्स हूँ और मेरी आइडियल बॉडी वेट फिफ्टी फाइव है मैं कुछ भी नहीं करूं तो मुझे कम से कम 55 ग्राम की प्रोटीन की जरूरत है 55 ग्राम का प्रोटीन मतलब ऑलमोस्ट दस संडे दस अंडे, अंडे कोई नहीं खा रहा या उसका इक्वलेंट होल एग आई एम टॉकिंग द होल एग करेक्ट सिक्स एवरेज सिक्स ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इन एन सो अब अब क्या हो जाता है नाउ एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट लेस प्रोटीन ओके फिर जो कार्बोहाइड्रेट्स खाने से जो आपके ब्लड ग्लूकोज ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते रहते हैं इस वजह से आपको एनर्जी स्टेबिलिटी नहीं मिलती है फोकस नहीं मिलता है आपको लेथार्जी महसूस होती है और ये सब आपका इंडिविजुअल लोगों को लगता है कि मेरे साथ क्या हो गया पता नहीं मैं क्यों आपका नहीं है वो आप जिस तरीके के खा रहे हो आप जब भी शुगर को ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते हो आपके बॉडी में थोड़े चेंजेस होते हैं एंड दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू मैनेज योर ग्लूकोज स्पाइक्स ओके दूसरी बात जो है जब आप प्रोटीन इज हाई सेटाइटी ओके आई थिंक हमने पिछली बार भी बात कर लिया था मैं अगर आपके सामने कितने भी आप भूखे हो मैंने अगर अनलिमिटेड तंदूरी चिकन रखा आप एक पॉइंट के बाद उसको खा ही नहीं सकते वो कितना भी फेवरेट आपका सेम विथ पनीर लेकिन मैंने अगर आपके सामने बोला चावल या पराठे दिए आप उस इस उस को एक्सीड बहुत अच्छे से कर लेते और जितना वो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट होगा उतनी उसकी सेटाइटी कम है जैसे पांच गुलाब जामुन खाना बहुत आसान है उसके बाद आप और भी खा सकते हो सो द मोर रिफाइंड योर कार्बोहाइड्रेट इज द इजियर इट इज टू कंज्यूम द मोर शुगरी इट इज द इजियर इट इज टू कंज्यूम एंड यू हैव नो कॉन्सेप्ट ऑफ सेटाइटी सो तो ब्रिंग बैक हमारे डाइट्स में क्या हो रहा है क्योंकि आपका प्लेट प्रपोर्शन में कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा है और प्रोटीन नहीं है अगर आपने प्रोटीन को इनक्रीज किया ऑटोमेटिकली आपका कार्बोहाइड्रेट्स कम होगा ओके okay? दूसरी बात ये है कि हम तो बोलते हैं काफ़ी कि हम वेजिटेरियन है वेजिटेरियन है हम वेजिटेरियन तो है नहीं हम तो ग्रेनिटेरियन ग्रेनीवोर बोलती हूँ मैं हम हमारा अनाज ही चलता है हर एक किस्म का अनाज सो कॉमन थ्रेड जो आपने पूछा वो ये है ओवर ईटिंग कार्बोहाइड्रेट्स अंडर ईटिंग प्रोटीन नाम के लिए सब्जी हम खाते हैं इतना ओके okay? और आल टेल यू हम मेरे को खाना कैसे आता है मम्मी गाली देगी प्रॉब्लम आल टेल यू थोड़ी सी दाल थोड़ी सी सब्जी सब्जी कभी 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 नहीं हाँ, होती क्योंकि लोगों को पसंद भी नहीं आती है सब्ज़ी एक्चुअली हाँ तो और वो भी बहुत रिपीट होती है भिंडी जो इस सीजन में जो मेरे को अभी कॉन्स्टेंट <laughs> मिल रहा है मेरे को मिल रहा है अरबी भिंडी अरबी भिंडी मेरा दिमाग का हो गया या बीच में कभी बैंगन डाल डालते थे लोग सो वो क्रेजी कॉम्बिनेशन उसके बाद दाल राइस और तीन रोटी कभी कभी वो परांठी पतली वाली वाई exactly. ये होता है इसमें मेरे को प्रोटीन तो दिखा नहीं <laughs> नहीं है अभी exactly. मैं उनको कहूँगा प्रोटीन क्योंकि दाल में प्रोटीन है <laughs> तो हमने ये भी बात करी है तो आई वॉन्ट मेरी मम्मी सुने और मेरे को खाना दाल इज एक्चुअली कोई भी दाल या छोले चना राजमा ले लो ये इंडियन वेजिटेरियन या इंडियंस में ही ये बहुत बड़ा मिसकनसेप्शन है कि दाल इज़ प्रोटीन सी दाल इज प्रोटीन एंड दाल हैज सम प्रोटीन में का, जमीन आसमान का फर्क है ओके सो प्लांट प्रोटीन ये सारी प्लांट प्रोटीन होती हैं आपके छोले चने राजमा अलोबिया और uh, सारी तरह की दाल राइट right? अब दाल में प्रोटीन है लेकिन कोई भी दाल ऐसी नहीं है जो आपको आप उसकी अमीनो एसिड प्रोफाइल फुल है राइट okay. right? और वो अमीनो एसिड की हर एक हर एक अमीनो एसिड को आपको एक क्वांटिटी में आपके बॉडी को चाहिए होता है ओके okay? अब आप वो क्वांटिटी अब लोग बोलेंगे राइस दाल कंबाइन कर लो तो वो ए ए प्रोफाइल पूरा हो जाता है दैट इज ट्रू लेकिन वो सिर्फ ए ए प्रोफाइल पूरा होता है लेकिन वो किस मात्रा में आपके बॉडी में आना है वो नहीं आता है। ज नंबर वन नंबर टू अगर आपने सिर्फ दालों और चने छोले के साथ अगर आप अपना प्रोटीन क्वांटिटी पूरी करने की कोशिश करेंगे नंबर वन आपकी कैलोरिक इंटेक बहुत बढ़ जाएगी बिकॉज द अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन 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 अ पर्टिकुलर दाल और छोले चना इज वेरी लिटिल कितना होगा एक कटोरी दाल में कितना होगा वन इज टू थ्री रेशियो ठीक है अब लोग गूगल करके बोलेंगे सौ ग्राम के मूंग दाल में बाईस से छब्बीस ग्राम प्रोटीन है आप क्या बोल रहे हो वो अनकुक्ड है आप आप क्या सौ ग्राम दाल खाते हो हर रोज वो हम दाल कैसे बनाते हैं हम उसको बॉईल करके तड़का फिर लगा तड़का के? लगा के फिर डिपेंडिंग अपॉन आपकी टेस्ट और आपकी इकोनॉमिक स्थिति कैसी है या तो वो सौ ग्राम का अनकुक दाल चार लोगों के लिए बन जाएगा उसको वाटर ही करके आपने इफेक्टिवली खाया कितना हाँ उसे पानी भी तो बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली exactly, आप प्रेशर हाँ. कुक जो करते हो आप थोड़ी ना रॉ दाल खा रहे हो लाइक like तभी बेटर होते हैं इसीलिए ओके सो द प्रॉब्लम इज वन अमीनो एसिड प्रोफाइल इनकम्प्लीट सबसे ज्यादा बात एक होती है प्रोटीन की एक स्कोरिंग सिस्टम है डायस डी आई ए एस ओके ये स्कोरिंग बताती है कि वेरियस फूड्स में जो प्रोटीन है वो तो सेब दाल में तीस बीस ग्राम है ओके okay? चिकन के सौ ग्राम में बीस ग्राम है लेकिन स्कोरिंग सिस्टम बताती है दाल के 20 ग्राम सारे आप ऑब्सॉर्ब कर सकते हो या चिकन के 20 ग्राम आप ऑब्सॉर्ब करते हो सो so, दाल के ऑब्जॉर्बिलिटी में उसकी स्कोरिंग ऑलमोस्ट 60 या 50 परसेंट पे आती है चिकन के ऑब्जॉर्बिलिटी में 80 90 परसेंट पे आती है बीफ की ऑब्जॉर्बिलिटी absorb में ऑलमोस्ट नाइनटी आती है अंडा सो द ट्रूथ इज एनी प्रोटीन दैट कम्स फ्रॉम एन एनिमल ओके अब चाहे वो दूध हो दही हो चीज हो पनीर हो आ, वे प्रोटीन हो और सारी जो नॉन वेज की आइटम्स हो अंडा उनकी प्रोटीन की बायो अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। सो आई ऑलवेज टेल वेजिटेरियंस और इंडियन वेजिटे सो हमेशा लोग मुझे ये भी बोलते हैं क्या आप क्या मीट वीट क्या है हमारे हरियाणा हरियाणा के पहलवान देख लो बट हरियाणा के पहलवानों का डाइट बनता है डेरी से डेरी आता है एक एनिमल से उसकी exactly सो so, वो लस्सी पीते हैं वो पनीर खाते हैं वो दही लेते हैं वो दूध पीते हैं देसी घी लेते हैं सो so, जो उनकी डाइट जो पहलवान हरियाणा के हैं उनकी डाइट दाल से नहीं बनती है मैंने आज तक एक पहलवान को दाल चक करते हुए नहीं देखा राइट आई नेवर सीन इट सिमिलरली अगर आप जिम में चले जाओ बहुत सारे वेजिटेरियन ट्रेनर हैं वो वो दाल को क्यों नहीं पीते हैं वे प्रोटीन क्यों पीते हैं क्यों सब दाल पीस के नहीं पी रहे हैं जिम में दाल uh, okay. दाल दाल शेक हाँ, दाल शेक क्यों क्यों नहीं चल रहा है क्यों वे प्रोटीन सप्लीमेंट ये सब क्यों चल रहा है बिकॉज़ an अल्टीमेटली सो इन सब में जो अब्जॉर्बेबिलिटी जिनकी अच्छी है वो है सॉय बेस्ड प्रोटीन ओके सॉय इज द वन प्लांट प्रोटीन जिसमें ऑन थियोरिटिकली ऑन पेपर उसकी उसकी अमीनो एसिड प्रोफाइल कंप्लीट है एंड ऑन द डायस कोर इट रेट्स हाई ओके बट द प्रॉब्लम विथ सॉय और सॉय में बहुत कॉन्ट्रोवर्सी है मैं इस कॉन्ट्रोवर्सी में बहुत बार फंस चुकी हूँ कि सोया चंक खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए बट मैं आज भी यही बोलती हूँ कि सॉय सबसे ज़्यादा जेनेटिकली मॉडिफाइड है नंबर वन ओके और सॉय में बहुत सारे एंटी न्यूट्रियट्स हैं जो नॉर्मली एक ह्यूमन uh, बींग के रेगुलर फंक्शनिंग को काफ़ी डिस्टर्ब करती है जैसे इट्स अ इट्स अ इट्स अ थारॉयड डिस्टर्ब ओके okay? बहुत लोगों को वो डाइजेशन में प्रॉब्लम देती है आई नो अ लॉर्ड ऑफ पीपल हु आर अनेबल टू ईट सोया चंक एंड ऑल ऑफ दैट बिकॉज वो खा के उनको फिर प्रॉब्लम होने लगती है ठीक है सॉय अब लोग बोलते हैं कि यार योर बहुत अनपढ़ हो सॉय से मैन बूब्स नहीं बनते आई नो सॉय से मैन बूब्स नहीं बनते सॉय को आप एक इतने एक्सटेंट में खाना पड़ता है कि उसकी ईस्ट्रोजेनिक नेचर आप पे uh, लागू करें लेकिन माई माई पॉइंट इज जिस फूड में इतने सारे एंटी एंटाइन्यूट्रियट्स हैं उस फूड को इतने कॉन्सनट्रेट फॉर्म में खाना क्यों है ओके okay? दूसरी बात मैं बोलती हूँ सॉए इंडिया को नेटिव है ही नहीं हम हम इतना प्राइड लेते हैं वरुण कि हमारे कल्चर के हिसाब से हमें खाना चाहिए हमारे कल्चर में दही है हमारे सडनली आप सॉय क्यों खा रहे हो जब आपके कल्चर में नहीं था डेढ़ सौ साल पहले सौ साल पहले तक सॉय सुना ही नहीं था इनफैक्ट दस सालों में ही सॉय का इतना बड़ा हुआ है मतलब मेरे मेरे को याद है बचपन में चाप वगैरह फेमस स्टार्ट हुई एक्जैक्टली उससे पहले नहीं था एक्जैक्टली एंड सो द री सो जब भी, भी एक फूड अब अब दूसरी बात क्या हो रही है सोय फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ऑल मॉक मीट एंड फेक मीट ठीक है तो मैं हमेशा बोलती हूँ जिस चीज़ के भी पीछे ऐसे मॉक मॉक फूड मॉक मीट शाकाहारी चिकन पता नहीं क्या क्या बन रहा है उस चीज़ को खाओ ही नहीं तो बेटर है क्योंकि उसमें इतनी सारी इंग्रेडिएंट्स होती हैं कि आप उसको रिकोगनाइज ही नहीं कर पाओगे hmm. ठीक है सो सो बारिंग सॉय ओके नाउ ऑल योर प्लांट प्रोटीन यू हैव पी प्रोटीन यू हैव बहुत अजीब अजीब किस्म के प्रोटीन है मैं सबको एक ही बात थोड़ा कॉमन सेंस यूज करके देखिए आपको कितने पीस को क्रश करके उसको अल्ट्रा प्रोसेस करके उससे प्रोटीन निकालना पड़ेगा सौ ग्राम के पी में कितना प्रोटीन है हार्डली सिक्स आई थिंक और एट नाउ इफ यू आर ईटिंग पी प्रोटीन कैन यू इमेजिन हाउ मच पीज अल्ट्रा प्रोसेस टू गेट प्रोटीन आउट ऑफ इट इज़ like like you know? so, है। 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 करते हैं कोलेस्ट्रॉल सेटेड फैट ये भी चलता आ रहा है पचास सालों से मीट में आपको वो सब मिलेगा जो आपको किसी भी अदर मीट में नहीं मिलेगा क्रिएटीन हो गया जो आप जिम में जाते हो तो सारे सप्लीमेंट करते हो क्रिएटीन टोरिन ये हो गया बहुत सारे ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको प्लांट प्रोटीन में या प्लांट फूड में मिलते नहीं हैं सो so, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप एक कार्निवोर बन जाओ हाँ मैंने आई आई हैव ऑल्सो वर्कड इन द इन द स्पेस ऑफ कार्नि डाइट्स बट मेरी ये एंडवर है कि जहाँ तक पॉसिबल हो आपका जो डेली कैलोरिक इनटेक में फोर्टी टू फिफ्टी परसेंट सम फॉर्म में एनिमल प्रोटीन लाओ और आप वेजिटेरियन हो मैं मानती हूँ आप मीट नहीं खा सकते हो और इतने स्ट्रिक्ट हो कि अंडे भी नहीं खा सकते हो देन आपकी डाइट को इवन मोर वेल फॉर्म्यूलेटेड होना चाहिए टू प्लान फॉर प्रोटीन ओके सो दही हाँ ग्रीक योगर्ट, वे प्रोटीन से सप्लीमेंट करना पनीर ये सब आपके डाइट में कंपल्सरी है चाहिए। चाहिए। हाँ। like खाया, खाया, लगता तो है।, है और सैटरडे संडे को बनता है ना आई अंडरस्टैंड कॉस्ट का फैक्टर है बट हर कोई वेजिटेरियन घर में यही खा के चल रहा है कि दाल इस प्रोटीन सारी प्लांट प्रोटीन में 10 ग्राम के प्रोटीन के लिए आप को तीस ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट आते हैं दैट रेशियो इज ऑफ सो दैट इज़ वाई आई स्पीक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल प्रोटीन और इफ़ यू आर वेजिटेरियन डेयरी हैज़ टू बी अ डेफिनेट इन योर इन योर ईटिंग पैटर्न फॉलोड बाय वेजिटेबल्स जो नॉन स्टार्ची हो फॉलोड बाय योर दाल छोले चना राजमा और अगर प्लेट में जगह बचती है तो थोड़े राइस और रोटी की और वे से हमेशा सप्लीमेंट करो लोग उल्टा ले जाते हैं पहले रोटी चावल वो exactly. ऐसे आते। पहले रोटी चावल उसके बाद देखिए क्या डाल एग्जैक्टली फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हम मेरे को नहीं पता कि मेरे खाने में प्रोटीन का सोर्स क्या होता था क्योंकि जिम जाने के बाद जब तुम्हारे को है ना आई गेस उस पूरे फेज में मैंने किसी को नहीं देखा था ये लोग प्रोटीन पे इतना फोकस कर रहे हैं और दाल चावल रोटी दाल चावल रोटी वॉज द मेन थिंग और बीच बीच में कभी खुशियाँ आ गई तो राजमा चावल हो गए छोले चावल हो गए ये सब वो संडे होता था, हाँ। था। उसमें भी संडे में पहले सुबह हम खराब कर देते थे कि छोले पुड़ी आ गई <laughs> छोले भटूरे हाँ। आ, आ गए समोसे आ आ गए गए पकोड़े तो वो सारी चीजें चलती थी, थी बट प्रोटीन का प्रोटीन थिंग मेरी फैमिली में मेरे को याद है तब से स्टार्ट हुआ जब मैंने जिम स्टार्ट किया तो मेरे को पता लगा नहीं भाई मसल तो प्रोटीन से बनाई और प्रोटीन के लिए फिर मैंने कहा कि वो एग खाओ अब उसमें भी वाइट खाओ हाँ मतलब वो तो जिम वाला नहीं कहा था घर से मेरे को ये नहीं कहा था कि तू कुछ मत मतलब खा मत ये मत खा उन्होंने अलाउ किया चीजें बट ओवरऑल उनको पता नहीं था लाइक yeah. like is हाँ अवेयरनेस नहीं थी उस चीज के बारे में अगर उनको होती तो शायद वो चेंज करते बट और दूसरा मेरे को ये लगता है कि एक इकोनॉमिकल फैक्टर भी आता है बिल्कुल जिसमें प्रोटीन एक्सपेंसिव और इसमें लोग ना अपने आप को बस ये कह देते हैं कि दाल में ही प्रोटीन है एक अपने आप को बस एक इल्यूजन में रख रहे हैं जी बिल्कुल तो बिल्कुल. वो चीज़ भी होती है बट हाँ ये सैडनेस्ट रियलिटी है हाय गाइस सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस जल्दी से बताना सब्सक्राइब कर लो 93 लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और पॉडकास्ट देख के एंजॉय करके चले जाते हैं भूल जाते हो आई नो पॉडकास्ट अच्छा इंटरेस्टिंग है फ्लो में आ जाते हो तो इसलिए बीच में आ गया सब्सक्राइब कर लो सॉरी कंटिन्यू सी आई टेल यू जैसे आपने बोला ना गिव यू वेरी इंटरेस्टिंग एक इंसाइट बताते हो जैसे आपने बोला आपको बचपन से ये प्रोटीन वोटीन का कुछ पता ही नहीं था ठीक हाँ. है आप जिम जाने लगे तो आपको पता चला कि मसल प्रोटीन से बनती है अब लोगों की यह भी एक गलत फहमी है कि सिर्फ जिम जाने वालों को प्रोटीन की जरूरत है वेरी exactly. फनी तो हाँ. मेरे पास इतने डीएम आते हैं कि मैम मैं तो आ, मैं वेजिटेरियन हूं मैं तो बहुत इतना हार्डकोर एक्सरसाइज नहीं करता मैं बस वॉक वॉक करता हूं मैं वही प्रोटीन ले सकता हूं मैं अंडे खा You know, so कार्बोहाइड्रेट फैट और पूरा जो एसोसिएशन हो गया है कि प्रोटीन इज फॉर बॉडी बिल्डर्स एंड प्रोटीन इज फॉर जो जिम में एक्सरसाइज करते हैं उसी की वजह से तो एज यू एज हम बोथ इन मेन एंड वीमेन वी सी न सार्कोपिनिया हो रहा है बोन डेंसिटी बोन मिनरल डेंसिटी लॉस होता है यू uh, नो you know, आपकी पॉस्चर खराब होती है आप वेट गेन करते हो हम विसरल फैट आता है ऑल दिस इज एक्सेसिव कंजम्पन ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्रेजी मिस बट आई डू आई डू अग्री विच इज़ वाई यू नो कभी कभी यू you नो know, लोग मुझे बहुत बोलते हैं संगीता आप क्या बात कर रहे हो यार रेडमीट की कॉस्ट आठ सौ रुपये से लेके बारह सौ रुपये है मैं मानती हूँ कॉस्ट इज अज अ फैक्टर लेकिन मैं सबको ये बोलती हूँ हर एक को मटन खाने की ज़रूरत नहीं है मटन आप हफ्ते में एक या दो दिन भी खाओ तो चलेगा वन टू मील्स में बट मैं बोलती हूँ आप अपने थोड़े प्रायोरिटीज़ एग्जामिन करो जब न्यूट्रिशन आता है देखिए आप एक पी में मूवी देखने के लिए कतराते नहीं हो आपके स्विगी और जोमैटो के ऑर्डर्स आप देखो तो वो तो चलते ही रहते हैं ठीक है आपको अगर कपड़ों में वो सब में शौक है तो आप स्पेंड करते हो राइट right? हॉलीडेज में स्पेंड करते हो नाउ आई एम नॉट कि लिव लाइक अ वॉट एवर आप इंडल्ज मत करो लेकिन इफ़ यू लुक एट द वैल्यू दैट अ गुड प्रोटीन डाइट हाँ देता है आपको बीमारियों में इन्फेक्शन में हॉस्पिटल विजिट में स्ट्रेंथ में प्रोडक्टिविटी में इन सब में फर्क पड़ता है एंड ओवरऑल यू बिकम फार मोर प्रोडक्टिव एंड रोटेट योर प्रोटीन सोर्सेज यार अंडा है चिकन है फिश है पनीर है दही है मटन है सब इतना कुछ लोगों को डेयरी से भी एलर्जी होती है कि डेरी yes, तो yes. so, कुछ लोग हैं जो लैक्टोस इनटॉलरेंट होते हैं आ, आ, तो उन उन कैटेगरी लोग अब आप वेजिटेरियन हो के लैक्टोस इंटॉलोरेंट हाँ, हो लो, तो लो, भगवान बचाए फिर तो सॉय की तरह ही जाना पड़ेगा बहुत मुश्किल हो जाता है बट इंटरेस्टिंगली uh, uh, किसी ने भी और मुझसे ये सवाल पूछा था लेक्टोस इंटॉलरेंस नॉर्मली अगर आप देखो वरुण इट्स ऑन अ स्पेक्ट्रम ओके जिनको लैक्टोस इंटॉलरेंट होता है इंटॉलरेंस होता है वैसे ऐसे नहीं होता है कि वो सारी ही मिल्क प्रोडक्ट्स से को टॉलोरेट नहीं करते कुछ लोग होते हैं जो मिल्क नहीं टॉलरेट कर पाते लेकिन फर्मेंटेड जो डेरी uh, जैसे दही हो गया वो टॉलरेट कर पाते कुछ लोग होते हैं जो शायद दही टॉलरेट नहीं कर पाए लेकिन कोई चीज़ की वेराइटी टॉलरेट कर पाए बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो uh, हा, के बाद हाँ इट इज़ अ प्रोसेस नॉर्मली इन लैक्टोज देर आर सर्टन हार्ड चीजेस दैट यू टॉलरेट वेरी वेल सो so, वो भी होता है एंड द सेकेंड थिंग डेरी बिकम्स अ लिटिल प्रॉब्लमैटिक विमेन इन सम केसेस टेंड टू बी अ लिटिल सेंसिटिव टू डेरी उनको एक्ने वैक्ने वगैरह होने लगता है एंड फाइनली इन सम केसेस पीपल हु हैव एन ऑनसेट ऑफ ऑफ इम्यून आर्थराइटिस उनको डेरी सूट नहीं करता सो so, ये मैंने केसेस देखे हैं बट अदरवाइज नॉर्मली इंडियन वेजिटेरियंस डेयरी बहुत बढ़िया से कर ल क्योंकि वो हमारे बचपन से हमारे डाइट में होता है हाँ मेरी दाल में एक एक चम्मच पूरा घी आता था exactly, so हम हाँ, हाँ, बटर मक्खन घी दही पनीर ये सब लस्सी ये सब अच्छे से टॉलरेट करते हैं हुँ. आई माई यूज डेरी बॉय मेरे को बहुत पसंद हाँ, मुझे भी मेरे को तो दही बहुत पसंद दही मेरे को सब पसंद है उसमें हाँ, ना दूध की जितनी भी चीज़ें होती है देसी की दूध दही मक्खनलीक्ट सो it, uh, so, अब बहुत सारे लोग देख रहे होंगे जिनको जानना है जिनको समझना और चीजें समझ आ रही है बट वो फिर एक सवाल पे आके रुक जाता है कि इसका पूरा ओवरऑल खर्चा कितना आएगा बहुत बेसिक सवाल कि अगर एक अच्छे से प्रोटीन के साथ डाइट लेके जाते हैं तो कितना खर्चा आ जाता है इस चीज़ में लाइक सी ऑन एन एवरेज ओके लेट्स से रेडमीट आप इंक्लूड भी नहीं कर रहे हो आपकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है क्योंकि अभी देखिए इंडिया में रेडमीट के नाम पे फ्रीली अवेलेबल एक ही चीज़ है दैट इज़ मटन ओके मटन इज़ प्राइसी लाइक आई सेट डिपेंडिंग अपॉन वेयर यू लिव सात सौ रुपये से लेके बारह सौ रुपये तक का किलो है ओके okay? बट यार एक अंडा छः रुपये का है ओके, okay? सो so, uh, आप यू नो वन किलो मैं मैं बॉम्बे में, में रहती हूँ मैं वन किलो ब्रेस्ट बोनलेस मंगाती हूँ तो मेरे लिए वो थ्री सेवेंटी फाइव रुपीज़ है वन किलो ठीक है सो आई एम सेंग दैट इवन इफ यू रोटेट फिश डिपेंडिंग अपॉन वेयर यू स्टे ओके योर फिश कैन ऑल्सो बी अबाउट टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड रुपीज़ फॉर हाफ अ किलो ओके सो मैंने ये खर्च ये कैलकुलेट किया है अगर आप वे प्रोटीन का भी आप आप सहारा लेते हो ओके okay? सिर्फ प्रोटीन पे आपका खर्चा एक दिन में विल नॉट बी मोर देन टू फिफ्टी टू थ्री हंड्रेड रुपीज पर पर्सन इफ यू इंक्लूड चिकन ओनली द प्रोटीन चिकन एग्स ओके पनीर सम फिश इनको सब रोटेट करके टू फिफ्टी टू थ्री हंड्रेड एंड द डब्बा ऑफ वे प्रोटीन इफ यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन एंड बाय आपका एक नॉर्मल इंसान का खर्चा तीन सौ रुपया है एंड आई एम टॉकिंग कि ये नहीं कि आप फलाना सप्लीमेंट खरीद रहे हो वो नहीं खरीद रहे हो एक नॉर्मल हेल्थ के लिए दिस इज इनफ ठीक है सो आई डोंट थिंक दिस इज अनअफोर्डेबल इफ यू आस्क तीन सौ रुपया आपका एक स्विगी ऑर्डर आज पाँच सौ रुपये से कम नहीं है मैं ना, मैं क्या ही हाँ वन स्विगी ऑर्डर ऑफ डर्टी फूड इज इज पाँच सौ रुपया वन मूवी एक्सपीरियंस इज हजार रुपया ओके सो आई फील दैट इफ यू प्लान दिस प्रॉपरली एंड See, अब एक और भी ये सवाल लोग बोलते हैं कि uh, ये मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं बट uh, uh, इंडिया में क्वालिटी नहीं है हार्मोन भरे गए हैं ये है वो है ये पता नहीं कहाँ से आया है आई थिंक दिस इज लार्जली द वीगन साइड ऑफ द वर्ल्ड दैट डज ऑल ऑफ दिस कि देखो हॉर्मोन्स uh, uh, हैं और स्टेरॉइड्स हैं इफ़ यू एक्चुअली मेरी ना हालात रिसेंटली आई वॉज स्पीकिंग टू अ वेटनरी वेटनरी डॉक्टर हुसो इन्वॉल्व इन टू मास एग्रीकल्चर नाउ मास फार्मिंग एनिमल फार्मिंग नाउ देखिए मास एनिमल फार्मिंग इज नॉट प्रिटी ओके जस्ट लाइक मास एग्रीकल्चर इज नॉट प्रिटी ओके दोनों ही बहुत ही वोड यू से आर क्रूअल प्रोसेसेस दोनों ही ओके बट जब तक रीजेनरेटिव फार्मिंग नहीं आए हम कुछ नहीं कर सकते बट ही वॉज टेलिंग मी दैट इट इज एक्चुअली अ मिथ दैट यू you नो know, ये कि ऐसे कोई इंजेक्शन और ये सब नहीं नहीं डाला जाता यस yes. उनकी फीड में काफी फर्क आ गया है क्योंकि पहले जब आप फ्री रेंज चिकन और फ्री रेंज देखते हो द द द एनिमल इज अलाउड टू उसको घूमने को करने को मिलता है तो वो ग्रास खाता है कभी वर्म खाता है कभी कॉर्न खाता, खाता है कभी कुछ खाता है सो इट इज हेल्दी एनिमल बट नेचुरल प्रोसेस में बट इन द इन द फार्मिंग साइड उनका फीड ग्रेन होता है कौन होता है सो सो इज स्टिल बेनिफिशियल फॉर यू ये आपको बताया था, वो वो की बात होती है हाँ. right. so, मैं, मैं, मैं स्टोर था तो आई वाज गोइंग टू एवरी फार्म और वहां से को पता लगा था जब हमने देसी मुर्गा जो एकदम देसी मुर्गा हमने वो खाया था तो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि यार देसी मुर्गा खाएंगे ज़्यादा यमी होगा ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ चिकन होगा बट बिल्कुल अपोजिट था इट टेस्ट लिटिल लेस मतलब टेस्ट yeah. में थोड़ा सा वेरी कर रहा था बहुत माइनर था उन्नीस बीस का फर्क और चिकन बहुत कम था क्योंकि जैसे you, जो हम वाइट चिकन होता मतलब hmm. कि hmm. जो नॉर्मल बॉयलर कहते हैं hmm. जिसको दैट्स वो बना ही इसके लिए होता है और उसमें थोड़े से हॉमोन्स डाले जाते हैं सो hmm. दैट so वो ग्रो जल्दी करता है उसका जो hmm. प्रोसेस होता है एक एक नॉर्मल चिकन को ग्रो होने में सपोज सपोजिंगली अगर टाइम लग रहा है तो उसका हाफ़ बॉयलर जल्दी hmm. रेडी हो रहा है hmm. और उसमें चिकन की क्वान्टिटी ज़्यादा है क्योंकि हम आप एक नॉर्मल लेग पीस जो आप लेते हो वो एक इतना बड़ा होता है राइट उसका इतना होता है हाफ सॉरी ये तो मैंने पहले भी देखा देर वॉज अ टाइम जब आप चिकन ब्रेस्ट लो तो आपके

पीपल सी दिस साइड ऑफ़ एनिमल फार्मिंग बट पीपल आर नॉट सींग दाइड ऑफ एग्रीकल्चर फार्मिंग आपको क्या लगता है एग्रीकल्चर फार्मिंग नॉर्मल प्रोसेस से हो रहा है आपको क्या लगता है कि अगर मतलब ये प्रोड्यूस आपको जो uh, हर कोई सब्जी हर कोई सीजन में मिल रही है वो आपके सीड्स uh, हाइब्रिडाइज uh, नहीं किए गए हैं आपके सॉइल को यू नो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स डाल के उसको यू uh, नो you know, uh, ये नहीं कर पा रहे कोई भी चीज़ आई विल डेफिनेटली अग्री देर इज़ नथिंग टू डे इन द फूड एनवायरमेंट वॉट इट वॉज सेवेंटी एट ईयर्स अगो कुछ भी नहीं है यार ना हवा और पानी भी नहीं है ओके सो द एयर इज पोल्यूटेड एवरीथिंग इज पोल्यूटेड वाटर इज पोल्यूटेड नाउ नाउ अभी हम इस सबको तो मैं अकेले आप अकेले नहीं चेंज कर पाओगे तो मैं बोलती हूँ विद इन दिस आप थोड़े अच्छे चॉइसेस करो बेस्ट निकालो इसमें से बेस्ट निकाल जो देखो रियलिटी अब यही है यही है अब इसके साथ तुम कितना स्मार्ट बन सकते हो वो तो तुम बेनिफिट निकाल see, मैं ये ट्विटर पे भी बहुत ज्यादा देखती हूं बिकॉज आई फॉलो अ लॉट ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम अब्रॉड जो कहने वो डाइट्स में अब वो ग्रास फेड बीफ खाते हैं ग्रास फेड लैम शीप खाते हैं शीप uh, uh, क्या बोलते गोट चीज मिलता है ग्रास फेड रॉ डेयरी इंडिया में कहां मिल रहा है यार वेयर विल यू आपका गोट भी ग्रास फेड नहीं है आजकल जो एक टाइम पे हुआ करता था तो अब ये ना वो आता भी है तो उसका प्रीमियम यू नो मे बी आई कैन अफोर्ड इट वन स मंथ लेकिन फॉर एवरी डे ईटिंग बट लाइक आई ऑलवेज से दिस अब वो अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारा एनिमल फूड खराब है यू कैन मेक अभी इफ़ यू और अफोर्डेबिलिटी अलाउज यू अभी थोड़े से ब्रांड्स ऐसे आए हैं जैसे लिशियस और मीटिगो ये सब हो गया नॉट द टाइम एंड एफिलियट जो थोड़े और थोड़े प्रीमियम पे आपको क्लीनर मीट और क्लीनर वॉट एवर देते हैं आई रिमेंबर आव बिन टॉकिंग टू वन फार्म इन चेन्नई जो अपना खुद ब्रीड करते हैं गोट्स को तो उन्होंने सैम्पल के लिए भेजा था लेकिन इट इज फ्राइटफुली एक्सपेंसिव सो डेफिनेटली सर दैट इज वॉट एम सेग कि मैं हमेशा ये बोलती हूँ नो मीट सम एनी मीट एनी एग इज बेटर आपको न्यूट्रिशन मिलेगा बट डेफिनेटली बी हेल्थियर देखो आज के सीनारो के हिसाब से आपको सौ नहीं मिल रहा पर सत्तर मिल रहा है exactly. अगर आप कर रहे तो आप जीरो पे Zero हो दैट इज अग सत्तर तक तो आओ एक्ट exactly. है ना एग्जैक्टली सो दैट इज अ थिंग एनिमल बेस्ड डाइट पे होता है ट्रू सो पर्सनल सवाल जी आई फील कि बहुत ज़्यादा आई फील लो ऑन एनर्जी डेफिनेटली आई नो डाइट की वजह से हो रहा है ये सब हो रहा है बट कैसे फिगर आउट करूँ इन मतलब मैं अपनी पर्सनल जर्नी में कि मैं एक्सपेरिमेंट करके ये चीज़ें करूँ या अपनी जर्नी इसको स्टार्ट कैसे करूँ ठीक है सबसे पहले अगर अगर आपको एनर्जी लेवल्स लो है ना नॉर्मली इसके तीन अ, अलग अलग बहुत रीजंस होते हैं लेकिन बिकॉज आई टॉक टू सो मेनी पीपल मेरे को ना तीन बहुत एक्शनेबल पॉइंट्स मिलते हैं ओके okay? और तीनों ही इतने मतलब आपके सामने होते हैं लेकिन कोई एक्शन करने को तैयार नहीं है ओके okay? सबसे पहले मैं वापस से बोलूंगी आपकी प्लेट प्रपोशन ओके आप जितना आपके मील्स को ऐसे डिजाइन करोगे कि आपका ब्लड ग्लूकोज ऊपर नीचे वेरिएट वेरिएशन में जाता जाएगा आपकी मूड स्टेबिलिटी उतनी कम होगी ये आपका कराया हुआ नहीं है दैट इज हाउ द बॉडी रिएक्ट्स, ओके और आपको उतना ही एनर्जी लेवल्स में फ्लक्चुएशन दिखेगा दिस इज द रीजन वाई एक नॉर्मल इंडियन लंच खाने के बाद तुरंत एक घंटे में आपको नींद आती है ओके okay? संडे आप राजमा चावल खाने के बाद आपको सोना ही सोना है ओके okay? ठीक है सो दिस इज़ नॉट कि आपकी कोई यूनिक प्रॉब्लम नहीं है सबसे पहली बात आपकी ईटिंग पैटर्न है तो जब तक आप उसको चेंज नहीं करोगे ओके okay, ये चीज़ बदलेगी नहीं दिस इज़ ऑल्सो द रीज़न वाई एक से ढाई बजे तक हम लंच करने के बाद चार बजे हमको वो कॉफ़ी की या चाय की आदत है वरना सुस्ती आ रही है मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ या कुछ कुछ होता है सो नंबर वन आपको यू शुड ऑलवेज न आपने प्लेट प्रोपोर्शन चेंज कर दिया आई गिव यूर ट्रेक ऑलवेज ईट इन दी ऑर्डर ऑफ प्रोटीन एंड फैट हमेशा साथ बनता है प्रोटीन वेजिटेबल देन कार्बोहाइड्रेट ओके सो तो मतलब okay? so, आप उस ऑर्डर में खाओगे तो आपका सबसे पहले अगर आपने अंडा भुर्जी खा लिया या दो पीस चिकन खा लिया उसके बाद थोड़े वेजीज खा लिए बचता है एक डेढ़ रोटी विथ बैलेंस ऑफ दाल या सब्जी योर डन आप जब उल्टे तरीके से खाते हो ओके okay, सबसे पहले और हम उल्टे ही तरीके से खाते हैं राइट प्लेट में सबसे पहले चावल या रोटी ही आता है और हम साथ साथ खाते रहते हैं और उसमें भी क्वांटिटी चावल या रोटी की ज़्यादा होती है जब आप उल्टे ऑर्डर में खाते हो आपके ब्लड शुगर स्पाइक सबसे हाईएस्ट होते हैं प्रोटीन एंड वेजिटेबल्स स्टंट द ब्लड ग्लूकोज स्पाइक दैट द काब विल गिव यू एट द एंड ऑफ द मील दैट्स नंबर वन सो टू थिंग्स यू आर डूइंग व्हेन यू चेंज योर प्रोपोर्शन वन इज योर रिलायंग लेस ऑन कार्बोहाइड्रेट्स नंबर वन यूर ईटिंग अ मोर न्यूट्री डेंस मील तो आपकी सेटाइटी बनी रहती है थोड़े में ही ओके एंड नंबर टू यू आर नॉट प्रिपेयरिंग योर बॉडी फॉर दैट क्रैश इन एनर्जी ये पहली बात सो so, आप इसको चेंज करो सबसे पहले ओके थ्री मील्स इन अ डे चेंज योर प्लेट प्रपोशन नंबर टू मोस्ट पीपल हैव लो लोग मुझे ये बोलते हैं कि एनर्जी नहीं है मैं चल ही नहीं सकता मैं जिम नहीं जा सकता इट्स एक्चुअली दी वे अराउंड आप कुछ एक्टिविटी नहीं करते हो इसीलिए आप लो ऑन एनर्जी हो ओके okay? सो so, uh, uh, बड़ा काउंटर प्रोडक्टिव और काउंटर इंट्यूटिव लगता है ये बात मैं तो उठ ही नहीं पा रहा हूँ कुछ करने के लिए सी द ह्यूमन बॉडी इज़ अ मीन मशीन ठीक है हम वी द बॉडी सी हम हम टेक्नोलॉजी वाइज हम दौर देखा जाए हमारे बिहेवियर्स हमारे एक्सेसिबिलिटी बहुत मॉडर्न हो चुकी है लेकिन जो हमारी बॉडी की डीएनए है वो अभी भी मिलियन इयर्स पुराना ही है यू हैव टू यूज द बॉडी यू हैव टू इंटेंशनली मूव अब हमारी लाइफ कैसे हो गई वरुण कि हम उठते हैं चाय टेबल पे आ जाता है फिर दौड़ते हैं कैब में बैठते हैं या ट्रेन लेते हैं फिर स्कूल कॉलेज जाते हैं या फिर नौकरी करते हैं फिर आठ घंटे नौकरी करते हैं फिर आते हैं थक जाते हैं खाते हैं इन सब बीच में हो जाते हैं ना आई अंडरस्टैंड बट यू नीड टू टेक आउट एटलीस्ट फोर्टी फोर्टी फाइव मिनट्स टू डू समथिंग विथ योर बॉडी दैट इज द सेकेंड रीजन वाई यू डोंट हैव एनर्जी लेवल एक्सरसाइज इज नॉट फॉर वेट लॉस एक्सरसाइज इज नॉट फॉर फैट लॉस एक्सरसाइज इज फॉर योर मेंटल हेल्थ जब आप एक्सरसाइज करते हो देर आर सो मेनी हार्मोन्स इन योर बॉडी दैट रिलीज यू एंड दैट रिलीज एंड दैट कीप्स यू ग्राउंडेड फोकस्ड हैप्पी ठीक है सो एक्सरसाइज इज फॉर एवरीथिंग एल्स बट फॉर वेट लॉस ठीक है और तीसरी चीज़ जो मैं कह रही थी इतनी मतलब असली पैंडमिक वो है स्पेशली इन यंगस्टर्स दैट इज स्लीप सी सबको समझना चाहिए कि uh, हम ना सर्केडियन रिदम के साथ हमारी बॉडी अट्यून्ड है mm -hmm. मतलब क्या वी आर क्रीचर्स दैट आर हमारी एंटायर बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो चलती है सनलाइट के साथ ठीक है सो आई नो ये बहुत फनी साउंड करेगा मॉडर्न लाइफ में सूट नहीं करेगा बट द प्रॉब्लम इज दैट वी आर सपोज टू राइज विद द सन एंड वी आर सपोज टू स्लीप विन द सनसेट्स ओके okay, ये इसको आप बीट ही नहीं कर सकते हो क्योंकि इसके ऊपर इतनी सारी रिसर्च आ चुकी है सर्केरियन रिदम और हमारे लाइफ को कैसे सूट करती है बट चलो मैं ये नहीं बोल रही कि आप सवेरे 5:30 थर्टी डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ रहते हो आप उठ जाओ और सात बजे खाना खा के नौ बजे सो जाओ ये पॉसिबल नहीं होता है हम हमारी लाइफ काफ़ी चेंज हो गई है बट एम सिंह एटलीस्ट कुछ तो डिसिप्लिन होना चाहिए कि आप ग्यारह सवा ग्यारह बजे सो जाओ और कम से कम छः से सात घंटे की नींद लाओ ओके सो द थर्ड रीज़न वाई यू नेवर हैव एनर्जी इज़ बिकॉज यू आर नॉट ऑप्टिमाइज ऑन नींद ओके okay? और नींद एक ऐसी चीज़ है जो मतलब आप खाना खाने के बगैर तो काफ़ी दिन रह सकते हो बिना पानी के भी आई थिंक तीन से चार दिन हो जाएगा नींद का अगर आप 24 घंटे भी नींद आप नहीं लेट्स से यू नॉट स्लेप फॉर 24 फोर आवर्स उसकी जो कॉग्निटिव इफेक्ट जो शुरू हो जाती है उसके बाद से आपके मेमोरी आपको uh, uh, आपके रिफ्लेक्सेस आपकी एंटायर बॉडी की जो फंक्शनिंग स्लीप इफ़ यू डोंट स्लीप यू विल डाई फास्ट ओके इट इज सिंपल एज दैट यू आर गोइंग क्लोजर टू योर डेथ इफ़ यू डोंट स्लीप लोग बोलते हैं ना आई आई डोंट वॉन्ट टू स्लीप आई स्लीप वेन आई डाई उल्टा होता है कि आप अगर यू विल डाई फास्टर इफ यू डोंट स्लीप ओके सो द थिंग इज सो इफ यू डोंट गेट दैट सेवन सिक्स मिनिमम सिक्स टू सेवन आवर्स ऑफ क्वालिटी स्लीप इन द टाइम वेन यू शुड बी स्लीपिंग विच इज आइडियली बिटवीन टेन थर्टी एंड फाइव थर्टी आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप उस समय ही Uh, उस समय ही ठीक होती है एंड वॉट पीपल डोंट अंडरस्टैंड द एंटायर रिपेयर सिस्टम ऑफ दअ बॉडी हैपन्स इन द नाइट वेन आर रेस्टिंग ओके आपने डाइजेशन को रेस्ट दे दिया है अगर आप जिम जा रहे हो तो आपकी मसल रिपेयर मसल रिकवरी आप अगर uh, आपकी मेमोरी की जो फाइलिंग होती है शॉर्ट टर्म मेमरी लॉन्ग टर्म मेमरी आप क्या याद रख पाते हो क्या नहीं याद रख पाते हो वो ओके सेकेंड थिंग इज आपका फैट लॉस योर फैट लॉस इफ यू डोंट स्लीप इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लूज वेट ओके नंबर फोर आप अगर लैक्टेटिंग मदर्स प्रेगनेंट मदर्स और जो सॉरी न्यूली बॉर्न न्यूली जिनके बेबीज हुए होते हैं न्यू न्यू मदर्स उनका लैक्टेशन दे प्रोड्यूस और दे एबिलिटी टू प्रोड्यूस मिल्क इज इन द नाइट बेटर ओके सो देर इज अ रीजन वाई इतनी सारी रिजुविनेशन uh, या रिपेयर फंक्शंस नींद में होती हैं एंड दैट इज वाई यू शुड बी स्लीपिंग ओके ना आप रात में सोते नहीं हो ओके okay? अब रात में जगते हो ठीक है नेटफ्लिक्स देख रहे हो या आपके तरह कोई और टाइम जोन पे का सब लोग सब कोई वेले हैं और टाइम पास कर रहे हैं बट देर इज जब आप रात में जगते हो आपको एक फॉल्स हंगर भी होती है मैं किस मैं इतने लोगों को जानती हूँ जो 12 बजे सडनली उठ के स्विगी या जोमेटो से ऑर्डर करेंगे या फ्रिज रैट बनेंगे <laughs> या yeah, फ्रिज खोल के देखेंगे अब खाने को क्या है yeah. आ, रात के एक बजे मैगी बन रही है ठीक है अब एक बार दो बार तीन बार दस बार एक साल आपको आपकी बॉडी ये अब्यूज ले पाती है एंड ऑलवेज रिमेंबर द यंगर यू आर द बॉडी कैन टेक ऑल ऑफ दिस आप टीन्स में ट्वेंटीज में मिड ट्वेंटीज में ये सब ले पाते हो लेकिन ये कैचअप करता है आपके थर्टीज में

फ यू आस्क मी अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन लाइफ में एक रूटीन सी जितने भी लोग रूटीन बहुत बोर होता है वरुण आई अग्री सवे ऑन अ डे टू डे बेसिस डूइंग द सेम थिंग लेकिन मोनोटनी जो आपको लॉन्ग टर्म लेवरेज देता है ना वो वो कुछ बीट नहीं कर पाएगा द पर्सन हु गोज मोनाटोनियसली फोर टाइम्स अ वीक टू द जिम Sees more uh, uh, what do you say result than that one guy who will go once in a week and try to do all sorts of things. The person who eats right eighty percent of the time sees more uh, benefit. Somebody like you who who spends hours and hours on researching content and doing podcasts sees more success. द सिंपल थिंग इज थोड़ी बहुत रूटीन मोनोटनी कंसिस्टेंसी आप जो भी वर्ड यूज़ कर लो ये जरूरी होता है हम कभी ये कर रहे होते हैं कभी वो कर रहे होते हैं सो दैट दिस इज़ वाई एनर्जी लेवल्स आर ड्रॉपिंग इन चिल्ड्रन एंड देन थिंग्स लाइक डिप्रेशन आपको लो फील करना इफ योर अ बॉय आपके टेस्टोस्टोरोन गिरना इफ़ योर अ गर्ल आपकेट यू नो वेट बढ़ना देन पी सी ओ एस होना ऑल दीज थिंग टूगेदर विद दिस सो सो आई एम नॉट सेइंग डोंट हैव फन आपकी ऑडियंस यंग होगी लेकिन एक सैटरडे रख लो बाकी चार पाँच दिन कुछ तो रूटीन होना चाहिए लाइक करेक्ट सो जैसे आपने कहा कि लो टेस्टोस्टेरोन हो ना सो so, इसका भी खाने के साथ इम्पैक्ट होता है लाइक like, बिल्कुल क्योंकि बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे या हंसेंगे बट स्कूल टाइम में बॉयज जस्ट रिलीज इट यस बहुत ज़्यादा फैपिंग होती है yeah. तो उस पर भी एनर्जी पे बहुत इफ़ेक्ट आता है और उसके साथ अगर आपकी डाइट भी सही नहीं है तो ये भी बहुत मतलब तो हार्म करता है चीजों को या yeah. सी मैं फैपिंग uh, पे फैपिंग इज एज मच एज इट इज नेचुरल ओके द मोर यू ऑब्सेस अराउंड समथिंग इट्स इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी अड हेल्पफुल ओके एक प्यूबर्टी में स्कूल में नाइट फॉल होना ये सब और टू तो जनरली आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो करना इट्स ऑल वेरी नॉर्मल ओके बट आपकी अगर सारी दिनचर्या इज टू चेज दैट दैट रिलीज एंड देन यू यू वॉट इज अवेलेबल नाउ पॉन राइट देन यू लुक एट पॉन फॉर दैट रिलीज देखिए हर चीज का एक डोपमीन इफेक्ट होता है ठीक है देर इज एन एडिक्शन टू एवरीथिंग टू फील लिटिल लिटिल प्लेजर्स यू विल नीड मोर एंड मोर एंड मोर ओके एक्सट्रीम होता जाता है एक्सट्रीम इट्स सेम लाइक जैसे मैं तो अल्कोहल का एग्जांपल लेती हूँ जब आप नए नए या आप सोशल ड्रिंकर हो या बिल्कुल पी, पीते नहीं हो तो आपको एक ग्लास वाइन बहुत हो जाती है राइट right? या एक ग्लासकी लेकिन उसको आप कंज्यूम करते रहो करते रहो करते रहो वही फील गुड रिवॉर्ड के लिए आपको ज्यादा 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 करना पड़ता है एंड इट विल कम अ टाइम कि आप कितना भी करो आप वो वो चेज ही करते रहते हो it is exactly the same with, with masturbation. okay, now i am not a fan of this no-fap movement, and all of that. i don't think you need to go uh, extreme to that level, but have a healthy control over things. Mm -hmm. right. Uh, the human body is also a sexual body. okay, from puberty, you are getting prepared for uh, uh, procreation or, uh, you know, having babies. so this is normal. Hai. बट okay. किस हद तक उसमें आप इंडल्च करना चाहते हो एंड टू वॉट कॉस्ट आई नो पीपल लिटल बॉयज और यंग मैन हु दर थिंग आई वॉन्ट टू से द मोर यूर मास्टर बेट विच आई ये मेरी कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है बट आई हैिव्ड इनऑफ टू नो दिस आपको एक रेगुलर सेक्शुअल इंटीमेसी विथ ऑपोजिट पर्सन करने में काफी मुश्किल होगी देर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड द डेथ ग्रिप आप इसको रिसर्च करना दैट मैन बॉयज हु कॉन्स्टेंटली एंगेज इन मैस्टबेशन देन आर अनेबल टू इजैक्यूलेट विथ नॉर्मल सेक्स इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम और दे मे नॉट एट ऑल डिपेंडिंग अपॉन हाउ सो नाउ हाउ इज दिस रिलेटेड हमने सेक्स की बात कर ली हाउ इज दिस रिलेटेड टू डाइट टेस्टोस्टोरॉन लेवल इन मेन इज अ फंक्शन ऑफ फोर थिंग्स ओके नंबर वन एडिक्वेट प्रोटीन इन योर डायट नंबर टू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यू हैव टू डू सम काइंड ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जहाँ आप मसल ब्रेकडाउन करके उसको रिपेयर कर रहे हो ओके बिकॉज इफ यू डोंट हैव मोर मसल ऑटोमेटिकली योर स्टोर योर यूर गोइंग टू हैव मोर फैट ओके एंड फैट इन अ फैट इज एन इंडोक्रिन ऑर्गन मतलब इट इज ईस्ट्रोजेनिक इन नेचर ओके इट कैन प्रोड्यूस इट इट विल चेंज द बैलेंस ऑफ टेस्टॉस्टोरोन वर्सेज ईस्ट्रोजेन इन मैन ओके इट्स द रीज़न वाई विमेन स्टोर मोर बॉडी फैट देन मैन हमें फैट की जरूरत है क्योंकि हमारी हमारी इस्ट्रोजन वहाँ से बनती ओके okay? पर मेन का वो नहीं है मेन आर ट्रेडिशनली सपोज टू हैव हाई टेस्टोस्टेरोन सो हाई मसल मास सो प्रोटीन देर फोर लिंकड विथ मसल मास देर फोर विच मीन्स यू नीड टू हैव सम एक्सरसाइज नंबर थ्री यू नीड टू गेट सनलाइट बहुत ज़रूरी होता है सनलाइट फॉर एवरी एंड नंबर फोर एडिकुएट स्लीप एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट और और ये जितने Actually, बाकी, आ, आ, जितने और ये जितने जितने बाकी सारी चीजें होती हैं जो जो करती इनका क्या होता नो no, लोग बहुत करते हैं, वो हर्ब एक आयुर्वेदिक हर्ब है शिलाजीत यूज करते हैं yeah. उस पर साइंटिफिक रिसर्च क्या है नहीं है मुझे नहीं पता आई हैव नॉट गॉन इन टू सप्लीमेंट्स फॉर दिस बट इन माई एक्सपीरियंस आप इतना कर लो ना आप जनरली आपका स्लीप बराबर हो आप थोड़ा थर्टी फोर्टी मिनट्स सन में घूमते हो आउटसाइड आप थोड़ा सा प्रोटीन कर लो और ट्रेन कर लो ओके दिस इन इट सेल्फ इज गुड इनफ सी विटामिन जैसे अभी बहुत hmm. सारा मैं जाना था फिश ऑयल और ये और ये उनकी अलग सी एवरीथिंग नीड्स अ विटामिन इफ इट इज योर नॉट गेटिंग फ्रॉम योर डाइट अब आप ओमेगा थ्रीज अगर आप फिश से सबसे ज़्यादा आता है आपके फिश में ओमेगा थ्रीज नहीं है तो आपको ओमेगा थ्री के सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे राइट right? सो so, इसीलिए मैं बोलती हूँ अ वेल राउंडेड एनिमल बेस्ड डाइट गिव्स यू अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स विदाउट द नीड टू सप्लीमेंट अगर आप एक वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर या जिम्ब्रो का सप्लीमेंट स्टैक देखोगे जिंक क्रिएटिन ग्लाइसिन ओमेगा थ्री ओके बी ट्वेल्व विटामिन डी बी सी ए मैं गिनती जा सकती हूँ उनका सब्स क्या होता है बट इन अर्मल मिक्सड ईटिंग पैटर्न जहाँ पे एनिमल फूड है आपको इतने सप्लीमेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी देखिए विटामिन डी एक ऐसी चीज़ है दैट आज को नोबड़ी गेट सन एक्सपोजर लाइक यूर सपोज टू गेट और विमेन को तो होता ही नहीं है ना लाइक योर सपोज टू बी बेयर बॉडी इन अ सर्टन टाइम इन द सन एंड गेट द विटामिन डी नाउ अभी इंडिया में वेयर डू विमेन गो बेयर बॉडी ना नहीं हो पाएगा राइट सो साइक्लिकली थोड़े सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है बट द मोर वेजिटेरियन यू आर द मोर

Eventually, अपना ही हार्म कर रहे हैं एग्जैक्टली exactly. और फिर वो मानते भी नहीं है मानते नहीं है सी मैं वही बोलती हूँ यार एक ह्यूमन बॉडी जो है उसको ये नहीं पता आप वीगन एक्टिविस्ट हो आप <laughs> आइडेंटिटी लेके चलते हो आप सदगुरु को फॉलो करते हो या कोई और गुरु को फॉलो करते हो आप हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो आप आए हो आइसलैंड से उसकी तो एक थोड़ी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जो अभी मिलियंस ऑफ से बदली नहीं है वो आपको देना ही पड़ेगा और वो वो नहीं मिलेगा तो इट विल नॉट फंक्शन तो आपकी जितनी पॉलिटिकल सोशल रिलीजियस स्पिरिचुअल इवन डाइट बेस्ड आइडियोलॉजी है hmm. वो नहीं काम करती योर बॉडी सडनली से दैट इफ यू आर वीगन यू डोंट नीड बी इटवेल्व ओके सिमिलरली योर बॉडी इफ योर सडनली ईटिंग ओनली ऑर्गन मीट यू नो इट विल नॉट से नहीं मुझे विटामिन ए टॉक्सिसिटी नहीं होगी आपकी बॉडी आपकी बॉडी है राइट सो आई थिंक बार बार जब मैं ट्विटर पे भी पहले बहुत इन्फ्लेमेटरी हो जाता था कि आप कैसे कह सकते हो तो, मेरे परदादा दादा फिर वो हर हर एक के घर में एक दादा है वो दादी है जो मतलब सिर्फ ये खाए हैं करके, करके ये करें हैं बट फ्रेंकली किसी के दादा दादी आई थिंक इट वॉज द जनरेशन ऑफ माई दादी हु इज़ बॉर्न इन नाइनटीन वो जनरेशन के साथ हेल्थ ख़त्म हो गया लाइक इफ़ यू सी माई पेरेंट्स दे आर नॉट हेल्थी हमारी पेरेंट्स की जनरेशन को कोई हेल्थ नहीं है सो so, जो जो नाइनटीन सिक्सटीज और नाइनटीन फिफ फोर्टीज फिफ्टीज के बाद जितने भी लोग जन्म किए हैं दे आर नॉट इन द एपिटोम हमको सिर्फ बोलना अच्छा लगता है कि हमारे गांव में ऐसे होता है बट फिर लाइक like, मैं भी बोलती हूँ कि मेरी दादी नाइन्टी वन ईयर्स तक शी वॉज वेरी एक्टिव बट दादी का लाइफ देखो यार दादी ने गिन के दस बार बाहर खाना हो शीड है ईट एन टेन टाइम्स दादी का वही डे वन एंड हाफ मील का रूटीन सवेरे एक बार साढ़े ग्यारह बजे फुल्ली खाना खा लो चार बजे आ, आ, फल पी लो दूध पी लो और हमारे यहाँ टिफिन बोलते हैं तो वो छः बजे फल ये एक इडली ऐसा कुछ हो गया हाँ मेरी दादी वेजिटेरियन थी लेकिन कितना कम और फिर कितना फिजिकल लेबर सो hmm. so, और उस टाइम का फूड एनवायरमेंट उस टाइम का पोल्यूशन एनवायरमेंट उस टाइम का स्ट्रेस एनवायरमेंट सब कुछ अलग है सो दैट कंपेरिजन दैट ओ यू नोपल माई अराउंड क्या है आपकी करेक्ट सो so, 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 एक सवाल ये आता है जैसे कि जैसे ये वाला आपने जो पॉइंट बोला दैट्स कंप्लीटली फाइन वो समझ आता है बट दूसरी थिंग जैसे कि एक मिसकनसेप्शन ये था मेरे को ये मेरा ही टर्न ऑफ था कि जब मेरे को बोला था कि बॉडी बिल्ड आनी है तो आपको आठ मील खानी है और छः तो एटलीस्ट खानी है और ऐसे खानी है ये खानी है वो खानी है विच वॉज़ वेरी टर्न ऑफ कि मेरे को और जिम का कल्चर आई लव जिम कल्चर सब कुछ मेरे को बहुत पसंद है बट एक जो पुश है ना वो नेगेटिव पुश ये है कि जिम सब जा रहे हैं सिर्फ बॉडी बनाने के लिए नहीं आई एम गोइंग टू जिम क्योंकि मेरे को एक रूटीन फॉलो करना है मेरे को बल्कि बॉडी नीचे मेरे को नॉर्मल हेल्दी गुड लुकिंग बॉडी चाहिए बस खत्म अब उसमें जाके वो मेरे को फोर्स करना है कि आप ये खाओ आप ये सप्लीमेंट लो आप ये लो मेरे को इससे दूर रखो बट जैसे आपकी जब मैंने आपसे पूछा था कि आप जिम कर रहे हो आप रेगुलर जिम करते हो आप वर्कआउट करते हो सब करते हो एंड आपने कहा था कि मैं सिर्फ दो मील खाती हूँ दिन में आई वॉज योर फैन मैंने कहा था कि यार यही मैं कर रहा हूँ कि मेरे को बता दिया गया कि आपकी बॉडी वेट के हिसाब से आपको इतना प्रोटीन लेना अब मैं ट्राई करूँगा ये मैं एक मील में ले लूँ या मैं दो में ले लूँ बस नहीं हुआ तो मैं तीसरी ट्राई करूँगा बट

तरीके से कंपीट करते हैं लोग तरीके की वेट वे, वेट में कंपीट करते हैं देर इज नथिंग नेचुरल अबाउट ईटिंग टेन मील अडे मेरा भी वो, जो ट्रेनर था वो ट्वेंटी सेवन ईयर ओल्ड था बट ही वॉज अ प्रोफेशनली कंपीटिंग बॉडी बिल्डर दैट इज अम्पिटिशन एक्टलीज नॉट वाई आर यू कंफ्यूजिंग वो सवेरे तीन बजे भी उठ के खाना खाता था टू कंप्लीट हिज फूड रिक्वायरमेंट क्योंकि उसको उस तरीके से उ, उस टाइम फ्रेम में ग्रो करना है इट इज ऑल्सो नॉट हेल्दी लाइक बॉडी बिल्डर्स टू हैव टेन अंडर टेन परसेंट बॉडी फैट फॉर मैन हाँ क्या आपके फैट fa नहीं है तो आपके सेक्स हॉर्मोन्स कोलेस्ट्रॉल आपके सेक्स हॉर्मोन्स ढंग से काम नहीं करते हैं आपको पता है जो फीमेल कैटेगरी में बॉडी बिल्डर्स जाते हैं जो अंडर ट्वेल्व परसेंट फैट पे आते हैं थोड़े महीनों के लिए उनकी पीरियड बंद हो जाती है और उस लेवल पे जो कंपीट करते हैं वो वो बॉडी फैट परसेंटेज और वो लुक है वो महज दस दिन के लिए मेंटेन कर पाते हैं फिर वो नॉर्मल सी पे आते हैं एंड ट्रस्ट मी लुक अप द वर्ल्ड्स बिगेस्ट बॉडी बिल्डर्स और फेमस उनकी लॉन्जिविटी नहीं रही है दे वॉल पास्ट अवे वे वेरी अर्ली इफ देव लिव दैट एक्टिव लाइफ एक ट्विटर पर एक ट्वीट घूम रहा था फोर्टीज फोर्टी क्यों बिकॉज दैट्स एन अपनॉर्मल स्पोर्ट नाउ अलोंग विद डेट एट टू टेन टाइम्स ऑफ ईटिंग एंड ईटिंग एक्स नंबर ऑफ चिकन बॉडी बिल्डर्स टेक इंसुलिन ग्रोथ हॉर्मोन एच जी एच हजार तरीके के टेस्टोस्टोरोन देर इज एन इम्पैक्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस वो आपने वो पी डीस पे जो होते हैं तो वो गट देखा होगा इट्स कॉल्ड द बबल गट आपने अगर वो देखा होगा कि आप एब्स दिखेंगे लेकिन बट भी बड़ा होगा इट इज नॉट नेचुरल जैसे नेचुरली अगर आपकी बॉडी बनती है वो क्यों हो रही है वो सारे परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स और ये ग्रोथ हॉर्मोन्स आई थिंक यू नीड टू

to have good health to have good muscle mass to maintain your muscle mass doesn't need all of this do 3 maybe a little bit of whey protein wo bhi aap meat khate ho to uski bhi zarurat nahi hai whey protein becomes a, a convenient luxury for you jab aap meat kha pate ho do 2.5 meal khao aapke body weight और height ke hisab se aur aapke goals hai anywhere between 1.2 to 1.4 grams of protein आप measure कर लो.

कॉरेक्ट मतलब बेसिकली बॉडी भी कितना ही ले पाएगी तो जितना भी एक्स्ट्रा हाँ, होता है वो भी रिलीज कर या 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 कॉरेक्ट परफेक्ट एक बहुत कॉमन सवाल कि प्रोटीन जो वे प्रोटीन होती है उसको चूज कैसे करें लाइक like, उसमें भी बहुत लोग कंफ्यूज आते हैं क्योंकि इतनी सारी इंफॉर्मेशन है और सारा कुछ सी आई एम नॉट द एक्सपर्ट ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ वे प्रोटीन बट दिस मच आई विल टेल यू आइडियली चूज डिपेंडिंग सिर्फ वे प्रोटीन की काफ़ी आते हैं कॉन्सेंट्रेट है आइसोलेट है वो आपके बजट पे डिपेंड होता है नॉर्मली ओके द दी ओनली थिंग आई विल टेल यू फॉर वे प्रोटीन इज एनी डिसेंट वे प्रोटीन शुड हैव वेरी लिटिल कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर एडेड ओके okay? मार्केट में ये जो स्पेशली किराने की दुकान पे भी जो ये जो लेडीज को वगैरह ये एटलीस्ट फॉर मेन नो दैट वे प्रोटीन लेना चाहिए बट जो ओल्डर लोगों को और यू you नो know, हमारे घरों में ओल्डर पीपल को और वुमेन को स्पेशली पोस्ट प्रेगनेंसी ये प्रोटीन एक्स वगैरह देते हैं ना ये हाँ, तो बकवास है ओके तो, okay? हाँ, उसमें शुगर ज़्यादा प्रोटीन कम सो नंबर वन योर कार्बोहाइड्रेट और शुगर कंटेंट ऑफ योर प्रोटीन शुड बी लेस ओके

आई डोंट प्रीफर दैट क्योंकि मैंने देखा है जब भी किसी ने वे प्रोटीन दिया है और ब्लोटिंग वगैरह के बारे में कम्प्लेन किया है या एक्ने के बारे में कम्प्लेन किया है मोस्ट ऑफ दैन नॉट आई हैव सीन दैट उसमें सॉय का काफ़ी क्वान क्वान्टिटी रहा है एंड वेन आई मूव द पर्सन इन टू अदर आइसोलेट फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन दे टॉलरेटेड बेटर सो दैट्स नंबर टू नंबर थ्री प्रोटीन को लेजिट सोर्सेज से लें कंपनी वेटेड वेबसाइट से ले आप एक सर्च करोगे ट्विटर पे या यूट्यूब पे आपको लेजिट लोग मिल जाएंगे कि कौन से ब्रांड्स कौन से थोड़ी दस पंद्रह मिनट की सर्च है सो पहले क्या होता था प्रोटीन वाज नॉट सो अवेलेबल सो पीपल यूज टू इट एंड यू नो जिम ट्रेनर्स वगैरह तो काफी एडल्ट्रेशन हुआ करता था दिस इज वाई इवन वे प्रोटीन इज गॉट अ अः बदनाम ही ओके okay, बदनाम है बहुत दैट्स बिकॉज ऑफ दी ऑथेंटिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट बट Trust me, if there are two supplements that have been very well researched from a muscle point of view, one is whey protein, and second is creatine. So, creatine basically is again a form. Uh, uh, is is a supplement that most people going to the gym use, as it, it it helps you in building better muscle mass. Creatine is exclusively found in in red meat. Okay, it's very helpful. So red meat So three grams, depending upon you. Like I take three grams. If you regularly gym and if you're a guy, you can take about five grams. Again, your height weight Any time of the day, it helps you in in building your muscle and all of that. Right? Recovery fast uh, Recovering faster. faster. So.

टू मच इन्फॉर्मेशन भी एक क्राउड कर देती है आपको देर इज डिसीशन फॉर टीक वेन यू हैव टू मच इन्फॉर्मेशन आप छोटी चीजों के साथ स्टार्ट नहीं कर पाते हो सबसे पहले ट्राई एंड हिट द जिम थ्री टाइम्स अ वीक फॉर फिफ्टीन मिनट्स सबसे पहले उसके आगे, उसके आगे लोग उल्टा करते हैं लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं पहले दिन रहा क्योंकि एनर्जी होती है अगले दिन से दर्द होती है फिर वो हफ्ता दर्द में बिताते हैं तो है। yeah. फिर उनको लगता है हम प्रोटीन सही नहीं ले रहे हैं yeah. क्योंकि हमारे को दर्दे हो रही है फिर उनको आस पास बहुत कुछ रहे हैं। करते हैं बट फॉर हिटिंग द जिम थ्री टाइम्स कपड़े भी खरीद लेते हैं जूते भी खरीद लेते हैं बट देखे दिस वॉज फन थैंक यू आप बताओ पहले वाला ज्यादा बेटा था ये बेटा है या दोनों आई थिंक uh, uh, ये हमने काफी टॉपिक कवर किए हैं दिस वॉज मोर मेच्योर आई मोर मेच्योर एंड आई थिंक इसमें से टेक अवेज बहुत है

घर को ये बोलता है सो आई थिंक वन आई कंप्लीटली अप्रिशिएट योर पैशन टूवर्ड्स दिस टॉपिक राइट लोग वरना एंटरटेनमेंट दिस इज़ नॉट वेरी एंटरटेनिंग बट दिस इज एसेंशियल लाइक वेरी इंपॉर्टेंट सो आई थिंक थैंक्स फॉर दैट सेकेंड आई थिंक यू आस्क आई आई ऑलवेज मुझे आपके पॉडकास्ट फॉर्मैट्स इसीलिए पता है क्योंकि यार बहुत टेक्निकलिटी सबको uh, समझ नहीं आती है और सबकी लाइफ इतनी बिजी है कि आप वो सिंपल सिंपल चीज़ें क्या कर सकते हो कि आप कल से उसको इम्प्लीमेंट करो सो आई थिंक आपके जो लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग होती है यू नो इट इज सिंपल मेरे ग्राम ऑफ प्रोटीन पर अच्छा इसने ये बोला अच्छा मुझे तीन बार जिम जाना है hmm. नहीं जिम जा सकता तो मैं आधा घंटा वॉकिंग कर लू लाइक यू नो सो आई थिंक दैट दैट कॉन्वर्जेशनल फॉर्मैट एंड योर सुपर फन एज यूजल थैंक यू सो मच I'm glad that we did this. Thank you so much, I'm too. So, thanks for joining. Thanks for being on a DotOps. Thank you, and see you again.